ओके यू थ्री मंथ फॉलो करवाना छे। ओके वेरी गुड। ओके दीपिका जी नमो वित्रागाय नमो वित्रागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव साहुणं नमो लोए सव साहुणं एषो पंचन मुक्कारो सव पावप्पणाशनो मंगलानं च सवेसि परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद कांतियानंद जी। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ। ઓકે હવે આપણે બાળકો નથી એટલે આજે પદ સાંભળીશું। ઓકે અક્ષયભાઈ પદ કરે પછી એના ઉપર ચર્ચા કરીશું બરાબર। ઓકે અક્ષયભાઈ સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ। તુમારે નમસ્કાર હમારે અંબાલા પિતા દાદાજી બિરાજે ઉન્હે જો પહેચાને જો ચાહે વો પાલે જ્ઞાન હમારી પ્યાસ હૈ કેવળ સત કી ભૂખ હૈ कुर्बानी कुरान है आत्म रामी सुख है हम सभी एक है सच आजादी पाना है शांति से ही जीना है शांति ना किसी से लेना है शांति से ही जीना है जग कल्याणी भाव है शुद्ध आत्मा ही लक्ष्य है मोक्षानंदम देह सच्चिदानंद व्यक्त है प्राणों से भी प्यारे हैं भोले भाले दादा है सारे जग से नाता है सीधे साधे दादा है सपनों में हमें आते हैं नींद से हमें जगाते हैं निर्मल शुद्ध संस्कार से हरदम हमें हंसाते हैं चरणों में झुककर हम बंधन मुक्त होते हैं अक्रम ज्ञानी विज्ञानी ये मुक्ति सुख देते हैं शॉर्ट एंड स्वीट दो टच का सोना है दो अक्षर का नाम है डीए डीए दादा है दादाजी के नाम से काम अपना होता है जीवन नैया चलती है दुनिया अपना फोटा है जिन्हें मोक्ष चाहिए उनके लिए आए है उदारी कलयुग में बैंक चेकबुक लाए है कोट टोपी वाले दादाजी हमारे हम है तुम्हारे
नमस्कार हमारे नमस्कार हमारे नमस्कार हमारे जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। अक्षय भाई आपने ये टुडे सैटरडे राइट तो इट्स इन हिंदी यस यस तो आपने ये पद कैसे चुना जरा बताएंगे। आज हिंदी है तो हिंदी चुना हम लोग और हम जब छोटे थे तब हम शिविर में जाते थे बच्चों की और तब ये पद काफी गाते थे तो इसलिए ये पद चुना और इसमें दादाजी याद आ जाते तो मन प्रफुल्लित हो जाता है दादा याद आते तो इसलिए भी पद चुना। कांतियानंद जी आप थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा बताएंगे आप भी। हाँ जरूर क्यों नहीं प्लीज बताइए तो फिर हम फिर लोगों को प्रश्न पूछेंगे आगे। अच्छा अच्छा कोट टोपी वाले दादाजी हमारे हम है तुम्हारे नमस्कार हमारे दादा भगवान की जो वितरागता है और खटपटिया वितराग जिसे हम कहते हैं ऐसे वितराग पुरुष हमारे हैं और हम उनके हैं और इसी की वजह से हम उन्हें नमस्कार करते हैं ताकि उनके अंदर जो दर्शन शक्ति और ज्ञान शक्ति प्रकट हुई है वैसी ही हमारे अंदर भी प्रकट हो। इस भावना के साथ हम नमस्कार करते हैं। अंबालाला भीतर दादाजी विराजे उन्हें जो पहचाने जो चाहे वह पाले। ये भी एक बहुत बड़ा इस युग का आश्चर्य है कि उन्हें जो पहचाने वैसे पहचानना इतना इजी नहीं है क्योंकि ज्ञानी पुरुष की दशा ही ऐसी अटपटी होती है तो पहचानना तो इतना आसान नहीं है मगर फिर भी उनके चरणों में बैठकर और उनकी कृपा से जो भी हमने पाया है मतलब जो चाहे वह पाले तो उसकी थोड़ी सी बात यहाँ करने का प्रयास कर रहा हूं। ज्ञान हमारी पास है केवल सत्य भूख है। हम जानते हैं आत्मा अनंत ज्ञान वाला है इसलिए यहाँ ज्ञान हमारी पास है केवल सत्य की भूख है मतलब आत्मा को ही जानना है ऐसी कड़ी भूख हमारे अंदर नहीं है तो केवल सत्य की भूख है। अगर किसी को यह सत्य जानने की भूख लग जाए तो कुर्बानी कुरान है आत्मरामी सुख है। तो दादाजी अपना सुख जो है वो सभी को देते हैं अनुभव करवाते हैं कुर्बानी कुरान है आत्मरामी सुख है। हम सभी एक है तत्व दृष्टि से हम सभी एक है जीव मात्र एक है। सच आजादी पाना है हमें भीतर की जो हमारी स्वतंत्रता है उन्हें हमें पाना है न किसी से लेना है शांति से ही जीना है।
हमारी ऐसी कोई भीतर भीख नहीं है, इसी की वजह से हम शांति से ही जीना चाहते हैं और दूसरों को भी शांति से जीने देते हैं, जीने देने की भावना है और साथ साथ जग कल्याणी भाव है, शुद्धात्मा ही लक्ष्य है। मतलब दादा भगवान की कृपा से, उनके ज्ञान से हमें जो सुख मिला, वही सुख जीव मात्र को मिले, ऐसी जग कल्याणी हमारी भावना है, शुद्धात्मा ही लक्ष्य है। मतलब शुद्धात्मा का पूर्ण दशा के रूप में हम इसका अनुभव कर सके, वही हमारा लक्ष्य है। मोक्षानंदम ध्येय है सच्चिदानंद व्यक्त है, जो मोक्ष का परमानंद है वही हमारा ध्येय है। और सच्चिदानंद व्यक्त है मतलब सच्चित आनंद हमारा वास्तव में वही स्वरूप है, तो वो सच्चिदानंद व्यक्त है, प्राणों से भी प्यारे है, भोले भाले दादा है। दादा भगवान की जो सरलता है, उनकी जो सहजता है, उनका जो शुद्ध प्रेम है, तो वो ही हमें इतना आकर्षित करता है। इसलिए भोले भाले दादा है, प्राणों से भी प्यारे हैं। सचमुच ज्ञानी पुरुष के प्रति जब भक्ति एक भीतर एक लगन सी जब लग जाती है, तो वो हमारे लिए हमारे प्राणों से भी प्यारे हैं, क्योंकि ये जीवन ही उन्होंने दिया है। अब उनके लिए हम क्या करें, सारे जग से नाता है, सीधे साधे दादा है। दादा भगवान पूरे विश्व के लोगों के साथ इतनी अभेदता से रहे हैं, तभी तो यह कविराज लिख सकते हैं, कह सकते हैं, सारे जग से नाता है, सीधे साधे दादा है। इतने सरल, इतने सीधे, इतने सादा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। इसका मतलब, कहने का तात्पर्य इतना ही है, ऐसा कोई भी बाह्य आडंबर दिखावा उनके देखने में, उनके होने में बिल्कुल था ही नहीं। इतने सीधे सादे हैं, सपनों में हमें आते हैं, नींद से हमें जगाते हैं। सचमुच आज भी कभी कभी दादा भगवान सपनों में आते हैं और कभी कभी हमें डांटना है या कुछ कहना है, तो वो सपनों में आकर भी कहते हैं और नींद से हमें जगाते हैं। ये तो स्थूल बाह्य नींद की बात कर रहे हैं, उसमें तो जगाते ही हैं, मगर वास्तव में मैं कांति हूं, यह एक रॉन्ग बिलीफ की नींद में मैं पड़ा था, तो उसमें से भी मुझे जगा दिया और मैं शुद्धात्मा हूं। एक ऐसी जागृति उनकी असीम कृपा से हमें प्राप्त हुई है, इसलिए नींद से हमें जगाते हैं, निर्मल शुद्ध संस्कार से हरदम हमें हंसाते हैं। उनका जो ज्ञान है, उनका जो सत्संग है, उनका कहने का कुछ भी तात्पर्य है, वो इतना
गंभीर बात, इतना बड़ा सिद्धांत, ऐसे हंसते खेलते निर्मल शुद्ध संस्कार से हमें वो बता देते हैं और हमें भी हंसी आती है, हरदम हमें हंसाते हैं। चरणों में झुककर हम बंधन मुक्त होते हैं। सही में ज्ञानी के चरणों में ही मोक्ष है, उनकी आज्ञा में ही मोक्ष है, और आज्ञा धर्म का मतलब ही है बंधन मुक्त हो जाना। इसलिए चरणों में झुककर हम बंधन मुक्त होते हैं। चरणों में झुकना मतलब अहंकार डिसॉल्व हो जाना, किसी के लिए भी, किसी के भी चरण में झुकना इतना आसान नहीं है, मगर ये हमारे दादाजी एक ऐसे हैं, इतने सरल हैं कि उन्हें देखकर ही, उनके दर्शन करते ही हमारा जो हृदय है वो उनके चरणों में समर्पित हो जाता है। उसका परिणाम क्या होता है तो कि बंधन मुक्त होते हैं। अक्रम ज्ञानी विज्ञानी ये मुक्ति सुख देते हैं। सचमुच अक्रम ज्ञानी विज्ञानी एक मोक्ष दाता है और हर एक जीव को मुक्ति सुख देने के लिए ही आए हैं, अवतरे हैं। शॉर्ट एंड स्वीट, 200 टच का सोना है। यहां जब 100 टच का सोना होता है तो अपने आप विश्वास बैठ जाता है, विश्वास रखना नहीं पड़ता, श्रद्धा बैठ जाती है। तो शॉर्ट एंड स्वीट 100 टच का सोना है। और ये अक्रम विज्ञान भी एक शॉर्टकट है, 2 अक्षर का नाम है, डीए डीए दादा है। ये 2 अक्षर का नाम ही इतना पवित्र है, इतना दिव्य है। आप आगे से पढ़ेंगे या पीछे से पढ़ेंगे, आगे से बोलेंगे या पीछे से बोलेंगे, बस 2 अक्षर का नाम है दादा, डीए डीए दादा है। दादाजी के नाम से काम अपना होता है, ये तो सबका अनुभव है। दादाजी का सिर्फ नाम ही काफी है, तो दादाजी के नाम से काम अपना होता है। इसका मतलब मोक्ष का हमारा काम हो जाता है। ये व्यवहारिक काम तो होता ही है, मगर मोक्ष का काम भी हो जाता है। जीवन नैया चलती है, दुनिया अपना फोटा है। 5 आज्ञा के आधार पर हमारी जीवन नैया मोक्ष की ओर चल रही है, दुनिया अपना फोटा है। द वर्ल्ड इज अवर ओन प्रोजेक्शन। ये दुनिया जो भी है वो हमारा फोटा है। जिन्हें मोक्ष चाहिए उनके लिए आए, ये बहुत बड़ी बात है कि जिनको ये संसार के सुख भी दुख रूप अनुभव होते हैं उनके लिए आए हैं, जिन्हें मोक्ष चाहिए उनके लिए आए हैं। उधारी कलयुग में बैरर चुक बुकलाए हैं। उधारी कलयुग मतलब इस काल में कैश बैंक वो दादा ने खोली है, तो आप तो पुरुष ही उसे कहा जाता है कि जो हमें नगद कैश इस कलयुग में देते हैं, मोक्ष का सुख का अनुभव ये मन वचन काया के साथ हमें कराते हैं,
यही उनके प्रति संपूर्ण विश्वास हमें बैठ जाता है, व्यवहार में भी और मोक्ष में जाए वहां तक एक विश्वास करने योग्य पुरुष आप्त पुरुष है, इसलिए उनके लिए ये शब्द लिखा गया है। उधारी कलयुग में बैरर चेकबुक लाए है। बैरर चेकबुक का मतलब ये है हमें किसी भी प्रकार की कोई भी वो क्या कहे इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता नहीं है, सिफारिश किसी की भी सिफारिश की आवश्यकता नहीं है, बस कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, हम है तुम्हारे और नमस्कार हमारे। सच्चिदानंद कंतियानंद जी, हाँ जी, सिर्फ ये दो अक्षर का नाम है डीए डीए दादा है, इसके संबंध में थोड़ा उन्होंने ये जो अपना यश नाम कर्म के बारे में बताया वो जरा बताएंगे। हाँ जी हाँ जी, ये यश नाम कर्म क्या होता है और ये दादा नाम है कि क्या है इस तरह से? दादाजी की ऐसी प्योरिटी थी और इस जगत के अंदर किसी भी प्रकार की भीख उनके अंदर नहीं थी, इसकी वजह से उनका इतना बड़ा ऐश्वर्य था कि उनका यशनाम कर्म जो है ये दो अक्षर डीए डीए दादा वो उनके नाम का इतना यशनाम कर्म था कि उनके नाम से ही काम हो जाता था। कहीं भी जाए कैसी भी परिस्थिति आए जो हमारी कल्पना में ना हो सके, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा ऐसा काम हमारे जीवन के अंदर सिर्फ उनके नाम से काम हो जाता है, चाहे व्यवहार का हो, चाहे हमारे जीवन का हो या मोक्ष का हो, उनका यश नाम कर्म ही ऐसा है। और उन्होंने तो वहां तक कहा है कि यदि हमारा चित्रपट नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, हमारा नाम सिर्फ काफी है, इस नाम के अंदर ही इतना बल है, इतना प्रभाव है जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये तो सब अपने अपने अनुभव की बात है, इससे ज्यादा तो मैं क्या बताऊं स्वामी जी। वेरी गुड, यही सच्चिदानंद। तो कंतियानंद जी, हम दादाजी के इस पद कविराज जी के इस पद के मेन लक्ष्य के ऊपर हम महात्माओं से अपना क्या बोलेंगे ऑब्जर्वेशन और स्वाध्याय करेंगे। उधारी कलयुग में बैरर चेकबुक लाए हैं, जैसे दादा भगवान ने बताया कि दिस इज द कैश बैंक ऑफ डिवाइन सॉल्यूशन। हाँ, इसके बारे में थोड़ा विश्लेषण करिए फिर हम महात्मा के पास जाएंगे। दादा भगवान असीम जय जयकार को, यह जो कीर्तन भक्ति स्वस्वरूप भक्ति पराभक्ति असीम कृपा से हमें सभी लोगों को प्राप्त हुई है, ये एक बहुत बड़ी भक्ति इस समय की है और इसको कम से कम 10 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 50 मिनट बोलने से हमारे अंदर जो दादा भगवान आत्म रूप से विराजे हैं उनका खुद अनुभव हमें होता है। यह कैसे है, ये उधारी नहीं है,
बोलने से ही उसका अनुभव होता है। इतना बड़ा रहस्य यह कीर्तन भक्ति में है। और आप्त पुरुष ही उसे कहा जाता है कि संपूर्ण विश्वास करने योग्य पुरुष। तो जब विश्वास बैठ ही जाता है तो फिर उधार का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। जहां कैश हमें मिलता है, एक ऐसा अनुभव होता है, तो फिर श्रद्धा बैठ ही जाती है। संपूर्ण विश्वास करने योग्य पुरुष वो आप्त पुरुष होते हैं। इसलिए यह इस पद में इतना सारा महिमा दादाजी के बारे में बताया गया है। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। तो अभी हम अक्षय भाई को पहले शुरू करेंगे। अक्षय भाई, आपने ये पद में से क्या क्या अनुभव किया ये बताइए, और आप जीवन में कैसे उसका उपयोग करते हैं। मैंने एक अनुभव किया जो पद का है, एक लाइन है, हम सभी एक है, सच आजादी पाना है। तो हम पहले भी प्रार्थना में बोलते थे और बोलते हैं रोज कि आपरे बधा एक छे, आपरामा कोई जुदाई नहीं, हम सभी एक है, सच आजादी पाना है। तो हम सभी एक है तो पहले भी प्रार्थना में बोलते थे तो मालूम पड़ा, पर ये सच आजादी पाना है तो वो ये पद में जब लाइन आई तो सच आजादी पाना है वो थोड़ा ज्यादा मालूम पड़ा कि सच आजादी पाना है, जो बंधन है उसमें आजादी पाना है। तो बंधन रूप तो ये लगता है कि मैं अक्षय हूँ, वही गलत रॉन्ग बिलीफ बोलते हैं, तो उससे ही बंधन 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 आके बंधन ही बंधन चलता ही रहता है। पर जो अपना सच स्वरूप में समझ सकूं तो फिर मैं सबके साथ एक एक रह सकूंगा। तो जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ हम सभी एक है, तो वो तुरंत ही अंदर से एक लाइट आता है कि तो फिर क्यों इसकी मैं भूल देखता हूँ, मैं इसको क्यों गुनहगार ठहराता हूँ, क्योंकि पूरे दिन अक्षय सबको गुनहगार ही देखता रहता है कि इसका गुना है, इसका गुना है, इसका गुना है, या तो फिर खुद अक्षय का भी गुना कहीं 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 उसको दिखता है, पर इतना नहीं दिखता जितना दूसरे का गुना दिखता है। सुबह उठा तब से किसी ना किसी का गुना देखता ही रहता है अक्षय। और उसके बाद दूसरी लाइन आती है, ये उधारी कलयुग में एरर चेकबुक। तो जब आप समझा रहे थे तब मुझे मालूम पड़ा कि उधारी, इतनी सारी उधारी लेके आए अक्षय के, सब जगह से सुख ढूंढता ही रहता है पूरा दिन, कि यहाँ पे सुख लू, यहाँ पे सुख लू, यहाँ पे सुख लू, यहाँ पे सुख लू, सब जगह से सुख ढूंढता ही रहता है कि यहाँ पे सुख मिलेगा, यहाँ पे सुख मिलेगा, यहाँ पे सुख मिलेगा। कभी भी ऐसे खुद के स्व स्वभाव में बैठ के आनंद का अनुभव करने के पीछे कभी भी अक्षय कभी काम ही नहीं करता है। सब जगह पे सुख सुख सुख, कहीं पे सुख, कहाँ पे सुख। तो फिर काफी बार अंदर से ऐसे आता है कि भाई कहाँ दौड़ता ही रहता है तू पूरे दिन, कभी तो अपने सुख के लिए कुछ टाइम तो निकाल कुछ सुख के लिए। और काफी बार कल हम नवरात्रि में गए थे, आरती में गए थे, तब आरती में इतना सारा आजू बाजू शोर और
आवाज में होता है, सब लोग होते हैं, तभी भी अंदर ऐसा लगता है कि मैं अपने स्वरूप में बैठा हूं। तो ऐसा है नहीं कि शोर बशोर में और बहुत सारे काम में अपने स्वरूप में नहीं रह सकता। तो वो कल का अनुभव हुआ कि बहुत सारे लोगों के बीच में और बहुत सारी चीजें चल रही है, तो भी अपने स्वरूप में मैं रह सकता। तो फिर पूरे दिन में तो क्यों नहीं रह सकता, तो वो थोड़ा कल अनुभव हुआ। और ये पद में तो एक एक लाइन एक सूत्र समान ही है, एक एक सूत्र समान ही, एक एक लाइन। तो हम तो दिव्या को ये पद सिखाया है उनकी माता ने, तो हम एक एक लाइन गाते रहते, तो बस सूत्र समान ही एक एक लाइन निकलती रहती। और दादाजी को तो कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, तो बस मन प्रफुल्लित रहते कभी भी दादाजी याद। बहुत ही अच्छे, वेरी गुड, अच्छी समीक्षा की आपने, गुड ऑब्जर्वेशन। अच्छा अभी ये कंकिया रंजी, इन्होंने एक बीच में से एक इसमें प्रश्न भी पूछ लिया जो हम आप समाधान दे कि उस भीड़ में आरती में अपने मैं शुद्धात्मा हूं करके वो रह पाए, लेकिन उन्होंने कहा कि सारे दिन के जो व्यवहार होते हैं ना उसमें ये ऐसा रहता नहीं है। सही है अक्षय भाई? हाँ। तो इसका जरा समाधान दे आप। क्योंकि पूरे दिन हम जो हमारा व्यवहार लेकर आए हैं उसका संभाव से निपटारा तो करना ही पड़ेगा, मगर वो हमें शुद्धात्मा में रहने के लिए बाधक नहीं है, समझे? बाहर की कोई भी परिस्थिति कैसा भी संयोग हो, वो हमारे भीतर की जो सच्ची आजादी है वो आजादी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। जैसे आपने वो गरबे के अंदर शोर हो रहा था, सब आरती हो रही थी, सब भी हो रहा था, फिर भी आपने वो अनुभव किया कि इतने सारे लोगों के बीच में भी मैं भीतर से अकेला हूं। तो ठीक वैसा ही अनुभव हम हमारे रोजिंदी जो दैनिक हमारी क्रियाएं हैं उसके अंदर भी मैं शुद्धात्मा हूं इस लक्ष्य के साथ हम जी सकते हैं। व्यवहार चाहे कितना भी हो वो हमारे भीतर शुद्धात्मा में रहने के लिए वो डिस्टर्ब नहीं करता है, वरना जितना व्यवहार ज्यादा आता है उतने हम शुद्धात्मा का अनुभव करते जाते हैं, अनुभव में आगे बढ़ते जाते हैं। जब हम व्यवहार में आएंगे तभी तो ये ज्ञान का एप्लीकेशन होगा, अकेले घर में बैठकर थोड़ा हो सकता है। हाँ, तो इस बात को भी हमें सभी को समझना है कि चाहे कितना भी व्यवहार क्यों ना हो वो हमारे ज्ञान के लिए बाधक नहीं है, और अगर ज्ञान के लिए बाधक है तो वो ज्ञान नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ी रिसर्च दादा भगवान ने हमारे सामने जगत के सामने रखी है, इसीलिए कविराज ने कहा सच्ची आजादी भीतर की है। अक्षय जो है वो व्यवस्थित शक्ति के में आता है, तो वो क्या करना नहीं करना वो आपके बस की बात नहीं है। वो तो जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति के साथ हमारा कर्मों का हिसाब है उनको व्यवस्थित शक्ति मिलाएगी,
मगर हमें भीतर से शुद्धात्मा में ही रहना है, व्यवहार ज्ञान के लिए बाधक नहीं है। इसलिए इसमें लिखा है सच्ची आजादी पाना है, वही हमारी भीतर की आजादी है जिसको कोई भी संयोग उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अक्षय भाई, हाँ क्लियर। अब अक्षय को ऐसा लगता है कि ये व्यवहार में मैं जाऊं तो व्यवहार में मेरा मैं डिस्टर्ब होता हूँ, जो अक्षय को लगता है मैं डिस्टर्ब होता हूँ। तो वो तो अक्षय डिस्टर्ब हो रहा है ना, उसको हाँ, हाँ, अगर फाइल का संभाव से निपटारा करना है, अगर यह समझ भीतर बनी रही तो आप कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे। यही सचिद अक्षय भाई। हाँ, समस्या अक्षय भाई की है, ज्ञान अपनी जगह पे है और समाधान अक्षय भाई को ही देना है, तो आप अलग रहकर ऐसा रह सकते हैं, लेकिन आखिर में तो समाधान अक्षय भाई को देना है ना। हाँ। जो दादा भगवान के पास है, सही है ना। हाँ, सही है। जैसा है ना, जैसे गिविंग अ वेरी बहुत गलत एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे कि वो तो दिव्या रो रही है ना, मैं थोड़ी रो रहा हूँ नहीं, लेकिन आपको आपकी जिम्मेदारी है कि दिव्या को समाधान देना, शांत रखना, ऐसी ऐसे कहता उसी तरह से आपको भी। तो ये समाधान हमें दादा के विज्ञान से मिलता है, सही है कांत्यान जी। हाँ जी, और वो हमें देना है। वो ऐसे ऐसे बोलते हैं ना कि हमारा जो कर्म का परिणाम है वो राग द्वेष वाला है, और हम उसमें से बाहर कैसे आएंगे, समाधान देकर संभव से निपटारा करके। तो वो पुरुषार्थ बाकी है, सही है अंतियान जी। हाँ जी, ऐसा है। प्रत्येक इस पर थोड़ा विश्लेषण करिए, अच्छा रहेगा। प्रत्येक व्यवहार हमें शुद्धात्मा का अनुभव कराने के लिए आता है। अक्षय जी, हाँ, प्रत्येक व्यवहार हमें शुद्धात्मा का अनुभव करवाने के लिए आता है। ये कैसे, क्योंकि वो सुना था कि प्रत्येक व्यवहार हमें छोड़ने के लिए आता है, पर शुद्धात्मा का अनुभव करवाने के लिए आता है, ये समझ। क्योंकि जितना 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 व्यवहार का संभाव से निपटारा होता जाएगा तो हम शुद्धात्मा हाँ। ही होते जाएंगे। थोड़ा दोबारा दोहराइए, क्या बताया। हाँ, मैं यह बताने जा रहा हूं कि प्रत्येक व्यवहार जो है वो हमें मुक्त करने के लिए ही आता है, और जितनी जितनी हमारी भीतर की मुक्तता बनी रहती है ठीक वैसे हमें शुद्धात्मा का अनुभव होता रहता है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, बाहर से मुक्त होने पर अंदर स्थिरता रहेगी। हाँ, और नहीं, बाहर से मुक्त होने पर बाहर की अंदर की स्थिरता सिद्ध होगी। हाँ, सिद्ध होगी, बराबर है। हाँ, क्योंकि बाहर अशांति है, फिर भी अंदर तो शांति है। है, लेकिन जब तक बाहर का व्यवहार ठीक नहीं होता तब तक अंदर की समाधि सिद्ध नहीं होती, नहीं होती है, प्रमाणित नहीं होती। इसलिए ये पद में है ना, सच आजादी पाना है। करेक्ट, वेरी गुड। अच्छा भाई, क्लियर। हाँ, क्लियर, वेरी गुड। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।
डॉक्टर ललिता मैन, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद. You know, my experience was when Dr. Radhe passed. Oh, there was there's one of the few sutras in English which says marriage is a contract that can be terminated without notice. And it was like a bucket of ice water on me when I first read it. But when it really happened, I just, you know, that it came to me that this is what it is. It's the contract is over and I have to release Dr. Radhe. And at the same time, with all the dukkh Lalita was going through, I heard an internal voice saying, I'm with you. Dada was with me and I felt his presence. And I just wanted to share that. Wonderful. Excellent. Yes. In such times of crisis, if you get such a wonderful consolation with total conviction, that is great. Wonderful. Very good. Very good. Can you please repeat that phrase, what Dada said? Marriage is a contract that can be terminated without notice. My God. It's in the Upper Sutra book, and it's really one of the few in English. And when I first read it, it was really like a bucket of ice water on me. I said, what is this? It can be terminated without notice. Correct. Yes. I mean, it put it in perspective when I actually went through the experience, you know? Yeah. That was it. It was the contract was over and there was no notice. I mean, literally I was in the ICU just watching him sink. And right. There was, you know, at the same time I felt Dada was standing right next to me saying, this is life. This is just part of life, you know. And that's what's got me through it, Kanti Ananji and Deepak Ananji. That's what got me through the last 2 years. Very yeah. Good. There's really no words to say, but it's like what Dada has given. We can understand that even in such crisis, it could give you such a great comfort and satisfaction, total conviction. Wonderful, wonderful. And that voice that came from inside, that I am with you, my God, that is great. That's who Dada is. And that's what Dada has given to us. Yes. I mean, unless you go through that, you don't know what it is. And I don't wish that on anybody. But no, true, very true, very true. But it true, was very... even though I was going through my path of fire, I felt his presence. Very good, very good. Thank you Sachidana. So much. So please keep coming. Deepakaranji? Yes. I want to share one thing also. Please. Sure. Kanti Ananji aaye hai to humko yaad hi aa gaye aur apne Kanti Ananji ne bola ki dada ko to pehchan karne mein to very mushkil hai mushkil to to hamare Kanti Ananji aapko to yaad nahi hoga par pehle thoda exposure mila tha Taruben kyunki Taruben wo Vibhuti Ben ke sath satsang karne gaye the जाते थे तो उसमें थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस मिल रहा था आई मीन एक्सपोजर मिला था दादा का पर क्लिक नहीं होता था बाद में हम आपको मालूम है हम साउथ कैरोलिना कोलंबिया में गए थे आपको याद है आप आए थे यस मालूम है इन द ईयर ऑफ 1994 यस 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 आप वेरी गुड मेमोरी आपकी बहुत अच्छी है आप और अमीन साहब आए थे तो राइट 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 राइट
तो आई डोंट नो क्या हुआ, किसी ने पूछा हमको कि हम पूछा कि आप क्या करते हैं। मैंने बोला अभी हमारा एक स्वामी जी है ज्योति महेंद्र, वो वेरी ज्ञानी है, वो हमको सब महाभारत गीता का सब सिखाते। तब आई डोंट नो किसे आपने और अमीन साहब ने पूछा कि ज्ञानी क्या है। तो मैंने बोला वो तो देखो हमारा स्वामी तो बहुत ज्ञानी है। बाद में आई थिंक अमीन साहब ने इंग्लिश में हमको समझाया कि ज्ञानी क्या है, कि वो शास्त्र पे डिपेंड नहीं होता है। तब हमको स्ट्राइक हुआ। तो मेरे को आई जस्ट वांट टू शेयर दीपकान जी के, क्योंकि कांतियान जी अपने घर आए थे ना, तो उधर क्लिक हुआ था कि ज्ञानी क्या चीज है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। I just want to add one more thing. Please. Oh, sure. I remember Dada saying that at the for Mahatmas that he will be there khade pag at the time of Maran. You know, do you remember this? Yes. And he is. You can bet on it. He'll be there at that time. It's just a reassurance. उन्होंने ऐसा बताया था कि हमने जो शब्द दिया है कि हम आपको आपके क्या बोलते हैं, आपको समाधि मरण की गारंटी दी है और आपके मरण वक्त मैं हाजिर रहूंगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि वो तो होने वाला ही है और सभी को अनुभव है, और जो जो गए हैं, जो कई पीड़ा में थे या परेशान करते थे, लेकिन उनको वो स्थिति में देखे तो पता भी नहीं चलता है कि दिस मैन इज नो मोर और दिस पर्सन इज नो मोर। जैसे कविराज को हमने देखा था, ऐसा ही लगता है वो सोए हुए है, जस्ट विद हिज ग्लासेस ऑन और ऐसे सोए है, बस ऐसा लगता है अभी उठ जाएंगे, अभी उठ जाएंगे और बोलेंगे ये बात। जय सच्चिदानंद, वेरी ट्रू। जय सच्चिदानंद, थैंक यू। जय सच्चिदानंद, यू आर मोस्ट वेलकम। जय सच्चिदानंद, अमी बेन। जय सच्चिदानंद, कांतियानंद जी, दीपकानंद जी, रजनी अंकल। जय सच्चिदानंद, कांतियानंद जी, ये अभी ये अनुभव तो बहुत हो रहा है कि ये दादाजी के नाम से जो अपना काम चल रहा है, कि पहले तो ऐसा बेसहारा जैसा जी लग रहा था कि सू थे जैसे गुजराती में बोलवाना थे, हिंदी में नो, हिंदी हिंदी में सॉरी, तो ऐसा मतलब जीवन कि किसको पकड़े, मतलब किसका सहारा ले, ऐसा हो जाता था। लेकिन अब मतलब इतना मुक्त हो गए दादा के नाम से कि वो जीवन नैया बोलते ना कि बस ऐसे तो सौ पे दिए है, फिर भी वो कभी कभी वो हाथ में ले लेते हैं लगाम आ जाती है, लेकिन बाद में दे ही देना पड़ता है क्योंकि ये जीवन नैया हमारे हाथ में चलने जैसे ही नहीं है। इसलिए दादा ये आपको ही सौंप दिया, ऐसे हो रहा है। और दूसरा कि आपने जो बताया ना कि हम पूरे भीड़ में भी अपने आप को एकांत में रह सकते हैं, हाँ, कि आज स्कूल में था इतना वो गरबा का प्रोग्राम था अपने आर्यन सेठ विद्यालय में, तो इतनी भीड़ थी और ऊपर से वो लोग ने सब म्यूजिक वो लगाया था पिक्चर का वगैरह सब, तो उसी म्यूजिक पे गरबा करना था हमको, ऐसा कि दादा के कविराज के उस पे होगा, तो वैसा नहीं था। लेकिन फिर भी हमने अंदर दादा के, हम लोग इतने महात्मा इतने भीड़ में भी दादा भगवान का नाम लेके ही गरबा खेल रहे थे, जबकि बाहर पूरा डीजे इतना भरा था और कहीं पे भी वो ट्रैक गया नहीं। वो बहुत समझ में आया कि हमको दादा ने किस तरह से अंदर से पकड़ तो लिया ही है,
कि आप भटकोगे तो भी आपको अंदर से, वो बोलते हैं ना, वो दादा एक जो एग्जांपल हमेशा देते थे कि वो लकड़ी है वो ऐसे ऐसे होएगी लेकिन वो जगह से हिलेगी नहीं। हाँ, नहीं लेगी वो अभी महसूस होता है। और दूसरा के दादा के नाम से जो मतलब दादा बोलने से ही बहुत परेशानी या कुछ ऐसा व्यवहार भी आता है, तो वो जो भार था पहले वो भार अभी उसको भार स्वरूप नहीं लगता है। हाँ। और अभी ये सत्संग के स्वाध्याय से और ये सब ना तो क्या हो जाने वाला है। और इतना मतलब आपके पुत्रों के भी सानिध्य से हमको जो सुनने मिल रहा है ना कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। और दादा ने बोला कि अभी ये देह को सत्ता में रख दो, मतलब कि इसका जो होने वाला होगा उसको होने दो। तो ये अभी ये सब चीज में हम लोग वो बोलते ना पराक्रम करने के लिए शुरू है। और भीतर हमारी समझ भी है ना। हाँ, व्यवस्थित के अलावा कुछ भी होने वाला नहीं है। हाँ, इसलिए निर्भय निश्चिंत होकर शुद्धात्मा के लक्ष्य सहित हम हमारा जीवन बिताए। हाँ, तो पहले वो प्रश्न बहुत खड़े थे क्या होगा, अब क्या होगा, तो अब क्या होने वाला है, हमें तो कुछ नहीं होगा। और अभी तो दादा है साथ में और ये संग है अपने साथ में, तो एक अजब तरह की बल बल मिल रही है, क्या बोलते हैं उसको। हाँ, कि कुछ छत्र छाया है कि भाई हम कहीं अब खो नहीं जाएंगे। तो ये बहुत ये पद से भी पता चल रहा है कि हम दादा के नाम से ही मतलब गाड़ी हमारे जीवन चल ही रही है, चलती रही है। और सबसे बड़ा अनुभव क्या है कि प्रज्ञा शक्ति के रूप में दादा भगवान हमारे अंदर विराजे हुए हैं और हर एक परिस्थिति में हमें जागृत करते रहते हैं। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ओके, मिनट। इसके ऊपर कटु कश्यप भाई, दीपक भाई, या कश्यप भाई, डॉक्टर जी, सबको जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, डॉक्टर साहब, जय सच्चिदानंद जी, शेयर करने का ऑप्शन दीजिए। हाँ, दीजिए। ये पद है अमे कहवाई शेष सीडी 28। पूछो जी। यस यस। हाँ, कहोवाई वो होता है इसमें एक मतलब हमने कहोवाई मतलब सड़ाया में ऐसे सड़ना में ऐसे मैंने पढ़ा सड़ना, तो शेष जो है वो थोड़ा ये इसका थोड़ा आप मैं सही बोला रहा हूँ कि नहीं बता रहा बताइएगा। तो इसका ये बता रहे कि हमको सड़ना कुछ शेष ऐसे कुछ बता रहे, तमें सत अवशेष हमें जगत फाटिया वेश तमें बीड़ियो अश्ले अश्लेष, थोड़ा ये अच्छे से समझाए। हाँ, हमें कहोवाई शेष तमें सत अवशेष हमें जग फाट्या वेश तमें भीड़ियो आश्लेष, मतलब थोड़ा बता दी। अभी इसका मतलब तो मेरे को अभी कुछ याद नहीं आ रहा है क्योंकि इस शब्द का प्रयोग ही कुछ ऐसा है कि
इसके बारे में हम ज्यादा तो नहीं बता सकते, मगर शत अवशेष हमें जगत फाट्यावेश तमें भिड़ो आश्लेष। बता सकते हैं हमें हमें, यानी ये जो शरीर है ना उसका एंड रिजल्ट क्या है कि वो सड़ जाने वाला है। अच्छा, लेकिन मेरा जो सत स्वरूप है वो शेष रहने वाला है। अच्छा, इट विल रिमेन, अवशेष यानी वो रहेगा, आखिर में वो रहेगा, लेकिन आखिर में शरीर जो है वो मिट्टी में मिल जाएगा या रखिया हो जाएगा, एशिज। हाँ बराबर है, एशिज हो जाएगा। और फिर आगे बताया हमें जगत फाटियावेज, यानी जगत में सब करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और आपने पीढ़ियो आसले यानी सबको जोड़ दिया। अच्छा, जो यानी सभी के साथ समाधान करवा दिया हमने जगत में। फाटियावेश क्या बता रहे, फाटियावेश वेश यानी क्या क्या वेश धारण नहीं किया। अच्छा, जगत में जो कुछ नहीं करने का था वो भी सब किया, ऐसे फाटिया मतलब वो फाड़ दिया, फाड़ देना जगत को, अस्व्यस्त फाड़ देना, टेयर ऑफ। हाँ वो तो लिटरल मीनिंग समझ में आता है, लेकिन कहना क्या चाहिए, जगत फाटिया मतलब यानी हमने जगत के सभी संबंधों को तोड़ दिया। अच्छा, उसके लिए जगत के संबंधों को उलझा दिया, उसके लिए अलग अलग वो युक्ति या वेश। अरे क्या नहीं किया। गले लगाना इसमें आता है। हाँ यस, यानी उन्होंने एक करवा दिया ना सबको, आलिंगन हमने हमारे राइट, अभी इसीलिए वो उसका मैंने वो सिर्फ वो लिटरल मीनिंग से मैंने वो कहा, लेकिन अभी बड़ा जवाब मिल गया। आलिंगन आपने बताया, सबको एक करवा दिया, एक करा दिया, और हमने सभी के साथ तोड़ दिया, गले लगा के एक करा दिया। हाँ। आगे है हमें दरी हथेली तमे राजा कुबेरी, हमें दरी चमची तमे रेडियो सागर। थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, लेकिन आप थोड़ा बताइए इसमें क्या बताएं। कंतियारन जी बताइए। हाँ, मतलब हमें हमें धरी हथेली, हथेली मतलब हमने ऐसा हाथ ही धरा था कि थोड़ा कुछ दे दो यूं, मगर तमे राजा कुबेरी, जब राजा खुश हो जाता है तो राजा के पास तो पूरा भंडार होता है। अच्छा, तो हमें धरी चमची, हमने सिर्फ चमची धरा था, मगर उन्होंने तो सागर दिया, मतलब परमात्मा का सुख का अनुभव करा दिया, ज्ञान सागर दे दिया। हाँ, हमें धरियो भावमन तमे सिंचियो पानी, कली फूटी वाणी भाव भवन माल गुंथानी, भजन माल गुठानी, भजन माल गुठानी, एटले भावमन हमें धरियो भावमन मतलब भाव से, तमे सिंचियो पानी मतलब ज्ञान से उन्होंने सिंचन किया, मतलब हमने भाव मन मतलब हमने भाव से क्या किया, हमने भाव से, हाँ भाव मन से ही मुक्ति है हमने, ये मतलब ये भाव मन से जो जो भाव किए, जो जो भाव किए उसको परिपूर्ण करने के लिए, यानी वो पौधे को उगाने के लिए पानी मिल चाहिए ना, तो उन्होंने पानी दिया उसको फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए। कड़ी फुटी वाणी भजन माल गुथाणी, एक कड़ी जैसा भाव हमारा निकला, शब्द निकला, और उन्होंने पूरा उसकी माला ही बना दी फूल की, उसका, एक, उसका एक कली, एक कली जितना हमारी वाणी निकली, यानी हमने भाव व्यक्त किया, और उन्होंने पूरी भजन यानी भजना की माला बना दी।
उसको फूल की माला बना दी, उसको पूरा करने के कंप्लीट यानी पूरा गार्लैंड बना दिया, उसका पूरा पूरा करने के लिए जो है वो एक कली कली क्या है एक वो भी कली यानी जस वो जो स्प्राउट हुआ है वैसा जो वाणी निकली वो वाणी जो निकली वो कौन सी वाणी वो हमारी जो मतलब अरे एक शब्द भावना का जो शब्द एक निकला ना तो उन्होंने तो पूरी उसका हारी बना दिया माला बना दी वो वाणी चाहे संसारी संसार हेतु हो चाहे कोई भी हेतु हो ऐसे जो भी दोनों ठीक है तो मतलब वो कहना ये चाह रहे हैं कि दादाजी मतलब वो महात्मा के लिए वो पूरा उसका बराबर ध्यान उन्होंने जो सागर सागर डाला ना इसी ऐसे बात किया तमे फेंकी दृष्टि सांध्यो धोर मुक्ति तोर हमें करियो लेको तमे मोर घे क्यों तमे फेंकी दृष्टि साधो दोर मुक्त तोर दृष्टि मात्र से ही हमारा कल्याण हो गया हम मुक्त हो गए हमें करियो लहको सांध्यो दौर मतलब वो कौन सा दौर ये की बात कर रहे हैं दौर जो है सांध्यो दौर हाँ हाँ कौन सा दौर की बात कर रहे हैं थोड़ा सा ये थोड़ा समझ हमें फेंकी दृष्टि मतलब मतलब हमारे आपकी दृष्टि शुद्धात्मा का हाँ शुद्धात्मा का जो लक्ष्य बैठ जाता है तो हमारे स्वरूप से ही उनकी दृष्टि मात्र से हम जुड़ गए ये तोड़ जो होता है अहंकार होता है तो इसको ऐसा ऐसा समझ में मुझे आया था कि आपने आपकी दृष्टि पड़ी तो आपके साथ कनेक्शन हुआ तो हमारा अहंकार से हम मुक्त हुए ऐसा सही है हाँ 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 अच्छा हमें कर कह करियो लहे को तमे मोर गए क्यों लहका मतलब कुछ बोलना हाँ हाँ नहीं ढंग वगैरह का बोलना कैसा थारी वो चिल्लाते हैं ना ऐसा हाँ उसे हाँ लेकिन उन्होंने मोर गए को उसको सुर दे दिया लहको होता है ऊंचे स्वर में या गला फाड़ कर बोल हाँ, हाँ अरे गए को याने मोर गए को उनकी बात करता हूँ मैं हाँ सर हाँ लेको हाँ मैं लेको की बता रहा हाँ लेको गला फाड़ने के बोल हमने हाँ। गला फाड़ के बोला आपने उसको मतलब मधुर बताया मतलब उसको उसको नेगेटिव को पॉजिटिव बना दिया ऐसा बोलना चाह रहे करेक्ट और फिर है हमें दीदू ज्ञान बल अवतारी कृपानु फल हमें धरिया दीन त्रन कई गम चुकावो रुण तुरुण हाँ तुरुण कई गम चुकावो रन धरिया दीन त्रन मतलब तुण मतलब वो घास का एक होता है ना कोई था हमारे पास और कुछ नहीं था हाँ तो उसमें वो सारे गांव का ऋण कैसे चुकाए अच्छा हमारे पास कुछ देने के लिए आपको कुछ है नहीं ऐसा बताना चाह रहे हैं और आपने क्या किया ज्ञान पूरा बल अवतारी कृपा का फल दे दिया मतलब कई गम चुकाओ रन मतलब कैसे आपको ऋण दे आपका ऋण चुका है क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए करेक्ट अंधारू बुझायो मारो तमारो तेज अमे ये थोड़ा बता अंधारू बुझायो मतलब हमारा जो अज्ञान रूपी अंधकार था वो बुझ गया वो तेज मतलब वो यहाँ तेज जो है वो कौन सा तेज बता रहे हैं तमारू तेज अमे मतलब आपका जो स्वरूप है वही हमारा स्वरूप है तेज मैंने वही वही हाँ वही अच्छा तेज मतलब वही अच्छा अमे अच्छा गोलियां होने अच्छा कल्प टूटिया अमे तमे निर्विकल्प अच्छा तेज वदे ये भी तेज वही है वही 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 हाँ वही
शब्द बूढ़िया मौन स्वरे अविकल्पी मोक्ष पदे। शब्द बूढ़िया मतलब ये शब्द का अस्तु ऐसा ऐसा मतलब कि शब्द का अस्तु मौन स्वरे अविकल्पी मोक्ष पदे, मतलब जब अविकल्पी पद आता है तो उसमें शब्द नहीं रहते, ऐसा बोलना चाहिए। करेक्ट, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। कहाँ गए गीता बहन? बहन अरे गीता बहन कहाँ गए? ओके शीज देयर बोलिए। एक मिनट अनम्यूट। हाँ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ अभी अक्षय भाई और अमित बहन ने बात की ना, वैसा ही मुझे अनुभव होता है कि पहले क्या होता था कि कुछ भी अच्छा नहीं लगने वाला कोई भी प्रसंग आए सामने तो अंदर से हिल जाते थे, और ऐसा अंदर से नक्की होता था कि अब यहाँ पर आना नहीं है, ये संबंध नहीं रखना है, ऐसा होता था। लेकिन अब क्या होता है कि सामने कोई भी प्रसंग आता है तो तुरंत को ही मिल जाते हैं, लेकिन एक ही मिनट के बाद ऐसा होता है कि नहीं ये तो बराबर है, हमारी प्रगति के लिए ये आया है, नहीं आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सब हम कहाँ पर पहुंचे हैं, तो बहुत आनंद आता है और ज्ञान में आगे बढ़ सकते हैं। होता है कि ये तो आना ही चाहिए, एक प्रसंग अच्छा नहीं लगने वाला आएगा तो हमारा निकल होगा और मालूम पड़ेगा कि हम कितने कहाँ तक आगे बढ़े हैं, तो बहुत आनंद लगता है। और पहले ऐसा होता था कि आना नहीं चाहिए, कोई भी नहीं आने वाला प्रसंग आना नहीं चाहिए, लेकिन अब तो ऐसा होता है कि नहीं ऐसा ही आना चाहिए तो ही मालूम पड़ेगा। खास मेरे पर मेरे बारे में तो मैं क्या सोचता है कि ज्यादा रात वाली फाइल अनुभव है मारे मेरे मारे मेरे को तो नहीं अच्छा लगने वाला आता है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं बहुत लोगों से चिपकी हुई हूँ तो नहीं अच्छा लगने वाला आता है तब मालूम पड़ता है कि नहीं ये फाइल है, तभी ऐसा अंदर से होता है, बाकी नहीं होता था। बराबर है। हाँ मेरा बहुत अच्छा अनुभव है ये। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत राग वाली फाइल है मेरी पर, लेकिन अब ऐसा लगता है कि नहीं फाइल है और नहीं आएगा तो मैं चिपकी रहूंगी, इसलिए उपकारी लगते है वो, नहीं आने वाला नहीं अच्छा लगने वाला बोलने वाले तो बहुत उपकारी लगते है मेरे को। उपकारी है। हाँ विपरीत संयोग ही हमें शुद्धात्मा का अनुभव कराते हैं। हाँ हाँ बराबर। यही सच्चिदान है। और दूसरा कुछ बोलने का है गीता में? किसके कल का बारे में कुछ हुआ और लोभ का बारे में कुछ प्रोग्रेस हुआ? प्रोग्रेस तो मैं क्या बोलूं कि कल रात 2 बजे हम मैं ऊपर आई और गर्भे में से तो सोने की तैयारी कर रही थी तो अंदर से ऐसी आवाज आई कि बोला तो है लेकिन बुद्धि लोभ इतना गाढ़ है और बुद्धि इतनी ज्यादा है तो बुद्धि ने ऐसा बताया कि नहीं नहीं तुझे तो ऐसा क्योंकि बोला है ना कि 5 साल तक जो कपड़े पहनने के उपयोग में नहीं आते हैं वो किसी को देना है, तो बुद्धि ने ऐसा बता दिया कि अब तो ऐसा करने का है कि तू ऐसा कर कि हर साल में 1-2 बार ही सभी कपड़े पहनेगा। फिर अंदर से दूसरी आवाज ऐसी आई कुछ आप देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ऐसा हो गया। फिर अंदर से ऐसी आवाज आई कि नहीं नहीं बोला है ना तो देने का तो है ही, फिर ऐसा थोड़ी देर चला, फिर अंदर से नक्की किया कि अभी तो दिन में टाइम नहीं मिलता, सोने का बहुत होता है, रात को जागते हैं तो ये नवरात्रि खत्म होगी ना तब तक तो निकालूंगी ही, तो फिर मैंने नक्की कर दिया कि निकालने का ही है, ऐसा नक्की हुआ। और एक लोग और ज्यादा एक था कि डिस्टर्बेंस ज्यादा आता है ना, गो एंड
चलेगा, हम सुनाए, हमें सुनाई देता है। तो फिर एक लोग ऐसा लिखा कि ज्यादातर सोने की भी लोग ज्यादा है मेरे को, नक्की किया है उसने कि 8 घंटे तक तो सोना ही है, नहीं सोऊंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी, ऐसा ठीक ही हो गया है। तो फिर अब क्या होता है कि रात को देर हो जाता है ना, तो कुछ भी करके 8 घंटे तो पूरा कर लेती हूँ, तो नींद में भी लोग ज्यादा है मेरा, घर में भी चले छोटी थी तब से लेकर ससुर पक्ष में भी किसी ने मनमानी चलती थी गीता की, कोई भी मुझे उठा नहीं सकता है, मतलब कि ऐसी उसके काम में इतनी परफेक्ट रहती थी तो कोई किसी को मौका ही नहीं देती थी कि मैं कितने बजे तक उठती हूँ कितने बजे तक सोती हूँ। इसीलिए अब ऐसा नक्की हो गया है कि नहीं इतना घंटा तो सोना ही पड़ेगा, उसमें से मैं ये लोग है क्या है मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन इसमें मेरा सोने का लोग तो है मेरा। ये कांतिया ने दी एक दादा भगवान की बात बताऊं, कांतियारन जी बताइए बताइए स्वामी जी। दादा जी नींद नहीं आए, आराम पूरा ना हो उसके लिए खुद को जगाते थे, क्योंकि वो बोलते थे कि नहीं सोएंगे आराम नहीं होगा तो हम ध्यान में जागृत रहेंगे, और हम बोलते हैं कि नहीं सोएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, इतना ही फर्क है। नहीं सोने वाले बीमार नहीं पड़ते हैं, लेकिन दादा का ये अनुभव है कि अगर थाक पूरा हो गया ना तो फुद्गल सुख में हम सो जाएंगे, लेकिन माइंड में ऐसा। ये दादा की बात है तो अभी ये तो लोक मान्यता है, हमारे पास लोक मान्यता है, और दादा ने बताया तो वो सोचने जैसी बात है कि अगर दादा ने बताया तो उसके पीछे कुछ है, तो उसका प्रयोग करना है, अपनी बात को बाजू पे रखना है, तो चलो ये प्रयोग करके देखते हैं। अनुकूलता में हमें वो रहता है ना, उसका स्वाद आता है इसीलिए, लेकिन ये सोचने की बात है, ख्याल में है। साढ़े 12 साल महावीर भगवान प्रैक्टिकली सोए नहीं थे, लेकिन ये समझना है कि कैसे नहीं सोए और हम कैसे सो जाते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी वीकनेस है मेरी, लेकिन क्या करूँ, कुछ नहीं है, जैसे मेरी मैं भी सोता था, लेकिन अभी समझ में आ गया तो अपने आप वो बंद हो गया। दादा का वचन यानी आखिर की बात, अभी दादा ने ही बताया है ऐसे, तो मैं उसके बारे में प्रयोग कर कर के उसमें से निकल आना है, ठीक है। और अब से 5 साल नहीं पहना उसको ये बात नहीं करते है, आज तक जो 5 साल नहीं पहना ना उसको निकालना है, समझ में आया ना। कांतियानंद जी, हाँ जी, कल एक ऐसी बात हुई थी कि सब कपड़े इकट्ठे करके रखे हैं, तो ऐसे एक बात हमने बताई कि जो कपड़ा 5 साल से ज्यादा नहीं पहना है, 5 साल में एक भी बार नहीं पहना है, उसको निकाल दो थोड़ा थोड़ा करके। तो उन्होंने रात को तय किया कि साल में हर बार सारे कपड़े पहन लूंगी। अभी समझ में आया ना, आज तक नहीं पहना उसका निपटारा करना है, आप आज से 5 साल नहीं पहने वो नहीं है, ठीक है। ये तो हमें पहचानना है कि बुद्धि क्या काम करती है, कैसे काम करती है, सही है। हाँ जी, ओके दादा, नाम बोलिए।
बोलिए बोलिए गांधी दादा का ध्यासन करते करते मैं शुद्धात्मा हूँ शुद्धात्मा हूँ ये ध्यान करते करते सो जाइए तो इतनी अच्छी नींद आएगी आप थोड़ा घंटे सोएंगे तो सुबह में फ्रेश रहेंगे मगर यदि ध्यान करते नहीं है इसका मेन कारण प्रयोग करके देखिए इतनी एनर्जी जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद बोलिए अमी बहन स्वामी जी दीपक आनंद जी आपके व्हाट्सएप पे एक सूत्र भेजा है सूत्र है कांति आनंद जी रियल भाषा का पुरुषार्थ जो यथार्थ पुरुषार्थ है वह पुरुष होने के बाद ही स्वरूप का भान होने के बाद ही शुरू होता है तो यहाँ पे रियल भाषा किसे कहा है जो हम प्रज्ञा शक्ति से बात करते हैं वो या कुछ और है रियल भाषा का पुरुषार्थ जो यथार्थ पुरुषार्थ है वो पुरुष आत्मा होने के बाद ही स्वरूप का भाव होने के बाद ही शुरू होता है मतलब मैं शुद्धात्मा हूं यह लक्ष्य बैठ गया और फाइल नंबर एक को हम हरेक संयोग में उसको ऑब्जर्व करते हैं वो रियल भाषा का पुरुषार्थ है अच्छा तो उसको भाषा क्यों कहा गया ज्यादातर मन वचन काया की क्रिया से जो होता है उसे हम पुरुषार्थ मान लेते हैं हाँ मगर वो रिलेटिव पुरुषार्थ है हाँ रियल पुरुषार्थ क्या है शुद्धात्मा में ही रहना और अमी बहन को ऑब्जर्व करना यह रियल पुरुषार्थ है जी हाँ तो पुरुष यानी कि मैं शुद्धात्मा हूं वो पुरुष है और पुरुष के अर्थ के लिए ही जीना वो पुरुषार्थ हो गया आत्म हेतु के लिए जीना वो रियल पुरुषार्थ है ऐसा बताया जाता है हाँ जहां तक रॉन्ग बिलीफ है मैं ही अमी बहन हूं वहां तक रिलेटिव पुरुषार्थ है बराबर हाँ तो अब हम रियल रियल है अब हम रियल पद में बैठ के हम रियल पुरुषार्थ कर रहे हैं और हाँ। ये जो अब हम मैं शुद्धात्मा हूँ करके जो हमारे अंदर जो वाणी चल रही है वो ही अभी अभी हमारी रियल भाषा है ऐसा कहना चाह रहा हाँ नहीं शुद्धात्मा के हेतु ही जीना हाँ यही हमारा लक्ष्य हाँ हाँ यही हमारा रियल पुरुषार्थ हो गया पुरुषार्थ हो गया शुद्ध उपयोग का होना वो हमारे लिए पुरुषार्थ है जी कोई क्रिया हमारे लिए पुरुषार्थ नहीं है हाँ मगर ये ज्ञान क्रिया पुरुषार्थ हो गई हाँ जो जानो जे कहिए छे ना आपड़े हाँ वो रियल पुरुषार्थ है हाँ हाँ वही हमारा यथार्थ पुरुषार्थ हाँ व्यवस्थित शक्ति अमी बहन को क्या करा रही है उसको देखना जानना वो हमारा रियल पुरुषार्थ है हाँ यहाँ रियल पुरुषार्थ का अर्थ है शुद्ध उपयोग का होना क्या होना स्वामी जी शुद्ध उपयोग का होना
शुद्ध उपयोग का होना। हाँ वो रियल पुरुषार्थ है। समझ में आया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय श्री दुकान जी। अपना टाइम हो गया है अभी। अच्छा जय सच्चिदानंद। कंठियानंद जी, हम ये पिछले 3 हफ्ते से 3 वैसे तो वो तो काफी टाइम हो गया, 3 अलगपन के वाक्यों का आराधन करना दिन भर, लेकिन पिछले 3 हफ्ते से हम लोभ के ऊपर तो क्या बोले विचारणा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। तो आप अपना पहले भी आप बता चुके हैं, लेकिन अभी 5 इंद्रियों के सुख के संबंध में जो लोभ होता है और उसके सामने आपकी ज्ञान से क्या, दादा के ज्ञान से क्या प्रतिक्रिया स्वाध्याय होता है वो आप बताएं। पहले भी इसके बारे में बात हुई है और भी ज्यादा क्लेरिफिकेशन के लिए यह बात हो रही है कि किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति के साथ पुद्गल का सुख भोगने की जो लालच, जो रुचि हमारे भीतर पड़ी हुई है, वो ही सबसे बड़ा लोभ है। मगर किसी भी प्रकार से कैसे भी मैं पुद्गल का सुख प्राप्त कर लूं, यह जो एक भीतर एक लालच पड़ी हुई है वो ही सबसे बड़ा लोभ है। अगर किसी को ज्यादा लाभ होता है और कभी मेरे को कम लाभ होता है तो भी मेरा लोभ खड़ा हो जाता है कि इनको इतना ज्यादा और मेरे को कम, ऐसा भी कभी हो जाता है। तो लोभ तो बहुत प्रकार के होते हैं, सिर्फ पैसे के बारे में ही लोभ वो संकुचित अर्थ नहीं है। यहाँ यहाँ पुद्गल का किसी भी प्रकार का सुख भोगने की जो लालसा हमारे भीतर पड़ी हुई है वो ही सबसे बड़ा लोभ है। और उस लोभ को हमें जानना है कि यह रिलेटिव सुख है और वास्तव में इसमें सुख जैसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसी मान्यता हमारे भीतर रहेगी और रॉन्ग बिलीफ से, मतलब इसमें सुख है ये मान्यता से जहां तक हम मुक्त नहीं होंगे, वहां तक हमारे अंदर पड़ा हुआ जो लोभ है वो लोभ की ग्रंथि को हम नहीं छेद सकते। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे आत्मा के सुख का हमें अनुभव होता रहता है, वैसे वैसे अपने आप पुद्गल के अंदर जो सुख है उस मान्यता से, उस भ्रांति से हम मुक्त होते रहते हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कश्यप जी बोलिए। एक रीसेंट मेरे को इसका एक्सपीरियंस हुआ लोभ का, अगर आप, अगर ना, यस प्लीज, श्योर यू कैन शेयर सर।
हाँ मैं जो है वो संडे को मैं पिछले संडे को मैं जा रहा था मार्केट में, जो क्राउडेड मार्केट है उसमें थोड़ा सा मैंने केयरलेसनेस किया कि थोड़ा गाड़ी लगाया, तो उसमें बहुत कम जगह पे दूसरे गाड़ी को पास करने का था, तो मैंने सोचा कि एक थोड़ा सा ये सामान लेना तो जल्दी से लेकर ये निकल जाऊंगा। लेकिन वो ऐसे चांस हुआ कि वो गाड़ी लग गई और मेरे को वो पता भी नहीं चला, किसी ने बताया कि आपके किसी ने मार दिया। तो तब से मुझे समझ में आने लगा कि अभी इसका असर मेरे को होएगा। तो अंदर से मेरे को शुरू हुआ ऐसे असर, जो है असर हुआ भी कि ये लॉस हुआ है, ऐसा ये क्यों हुआ, ये ऐसा थोड़ा मन और बुद्धि बताने लगी जो है कि इसमें ये लॉस हुआ है, ठीक है। तो उसमें फिर उसके विपरीत खड़ा हुआ जो है कि ये व्यवस्थित है और ये फाइल का सब्बा हुआ ऐसा, ये भी खड़ा हुआ तो उसमें काउंटर किया, तो थोड़ी मतलब वो काफी हद तक वो काउंटर हो गया। तो उसके बाद फिर मैंने आके घर आके भी जो है वो उसका उपाय और किया कि जो बाकी का रेजिड्यू जो था वो उसके लिए जो दवाई जो मैं अप्लाई करता हूँ दादाजी का, मैंने आधा घंटा वो वाणी सुनी तो उससे और फिर शांत हो गया और फिर वो पूरा इरेज हो गया। ये मैंने अनुभव बताया। सही है डॉक्टर साहब, ये हमेशा हम जब ऐसे शॉर्टकट या कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना, तो वहां पर कहीं ना कहीं हमें मार खाना ही पड़ता है। इसीलिए थोड़ा हमेशा व्यवहार में थोड़ा क्या बोले फोरसाइट से आगम चेतु बोलते हैं कि क्या जिससे वो परिस्थिति हमें आए ही नहीं ऐसा रखना चाहिए। वो बुद्धि ने ऐसे बताया कि पहले तो आप जल्दी से मतलब लेके सामान निकल जाओगे तो कुछ होगा नहीं, तो उस तो इसको हिसाब से केयरलेसनेस हो गई ऐसे। करेक्ट करेक्ट जैसे ओके जय सच्चिदानंद। आपका टाइम हो गया है जी, प्लीज श्रीमंत बोला है कश्यप भाई, प्लीज फॉलो। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सव साहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव पावपनाशनो, सव पावपनाशनो, मंगलानं च सव्वेसिं, मंगलानं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलं, परमं हवै मंगलं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आज का छठा दिन था माता जी की आराधना का, तो उसके पर हम थोड़ी समझ ले ले। जय सच्चिदानंद, ये माँ दुर्गा का छठा स्वरूप है कात्यायनी, माता कात्यायनी। तो उनके लिए ऐसा बताया जाता है कि साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, और नवरात्रि में के छठे दिन में माँ कात्यायनी की पूजा होती है। अब यहाँ हम ये बताना चाहेंगे कि दादा भगवान ने बताया कि जो शिव जी की तीसरी आंख है वो आज्ञा चक्र है, वहां पर है। तो दादा से ज्ञान मिलने पर हमारी तीसरी आंख खुल जाती है,
और आज्ञा चक्र के ऊपर जो आवरण था वो निकल जाता है, और इसके ऐसा बताया जाता है कि दादा भगवान किस तरह से हमारे लिए कात्यायनी का स्वरूप है, ये बात हमें समझना है कि उनकी आराधना से, उनके कृपा से हमारा आज्ञा चक्र खुल गया। जैसे बताया साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है, तो दादा जी की आराधना से, आज्ञा पालन से ये होता है। ऐसा बताया इनकी कृपा से सारे कार्य पूरे जो हो जाते हैं, ऐसा बताया है। अभी यहाँ पर भी हम ये समझ सकते हैं कि दादा ने बताया कि सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, कोई इच्छा शेष रह जाती नहीं है। और ये तो ऐसा बताया है बैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट हुए थे माता जी, उनकी पूजा की गई थी। अमोद फलदायिनी है, यानी हम समझ सकते हैं कि ज्ञानी पुरुष की प्रकृति, ये जो माता जी का स्वरूप यानी जो शक्ति प्रकट हुई दादा भगवान के अंदर, तो वो हमें कैसे मदद रूप होती है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी। ये तो समझने की बात है कि किस तरह से गोपियों ने ज्ञानी पुरुष की आराधना की थी, ये बात समझना है। इसीलिए यह ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है, अभी यहाँ ये समझना है। यह स्वर्ण के समान चमकीली और भास्वर है, यानि उसका गुण है चमक, उनका शरीर जो कलर है, जैसे दादा भगवान ने बताया हमारे शरीर के कलर को देख के भी हम क्या है वो बता सकते हैं। इनकी चार भुजाएं हैं, दाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा है, वो बताया जाता है कि भय रहित होने की मुद्रा, हमें अभय दान दे ऐसे ये प्रकृति की आराधना है। तो दादा की आज्ञा के पालन से हम, हमारे में अभय दान यानी सबको अभय दान देने का हमारा गुण प्रकट होता है। फिर नीचे वाले हाथ में वरद मुद्रा है, वो जेस्टर ऑफ जेनरोसिटी यानी उदारता का इशारा है। उसका मतलब क्या है, हम सब कुछ संभव से निपटारा करके ये सारे पुद्गल को खाली करने की हमारी तैयारी हो जाती है, सब फाइलों का संभव से निपटारा में ये आ जाता है। माँ के बाएं तरफ ऊपर वाले हाथ में तलवार है, अब ये तलवार का मतलब क्या है, उनके पास वितराग अहिंसक शस्त्र है, आज्ञा रूपी, हमें जो आज्ञा दी है वो किसी भी दोष से हमें मुक्त करवा देती है, किसी भी कमजोरी से हमें मुक्त करवा देती है। तो ये हम समझ सकते हैं कि दादा ने हमें कैसे पूरा विज्ञान दे दिया है। फिर नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है, कमल बताता है कि वे प्रकृति से पर है, और इनका वाहन सिंह है, वो उदारता और प्रतापी होने का उनका चिन्ह है। तो हम ऐसी समझ सकते हैं। अभी आगे देखिए, इनकी उपासना और आराधना में भक्तों की यानी महात्माओं को बड़ी आसानी से धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फलों की यानी कि व्यवहार और निश्चय दोनों की प्राप्ति हो जाती है। उसके रोग शोक संताप और भय नष्ट हो जाते हैं, जन्मों से समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना से, ऐसे ज्ञानी पुरुष की आराधना से, ज्ञान आज्ञा की उपासना से, आराधना से परम पद यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम, अरे सॉरी, मैंने ये आपको मैंने पढ़ा लेकिन वो ये नहीं किया था। क्विकली जस्ट अ मिनट प्लीज। और आपको कांतियांजलि को ऐड करने का तो पूछना? नहीं नहीं, ये तो पूरा बहुत अच्छा स्वामी जी ने बता दिया। इसके अंदर ऐसे है, हाँ हाँ,
इसमें दिया था और हमें हमें दृष्टि मिली है तो हमें पता चल जाता है कि हमें क्या मिला दादा भगवान के योग बल से उनके ज्ञान से, ये बात है। हाँ, जय सच्चिदानंद, कल 24 घंटे की पूर्ण संपन्न होने का दिन है, तो सुबह में खत्म हो जाएगा, तो कल का प्रोग्राम इस तरह से है, सुबह 6:30 बजे प्रातः विधि होगी, फिर सीधी 4:30 बजे कीर्तन भक्ति होगी, 3 बजे का सत्संग हम नहीं रखते हैं कल, 4:30 बजे कीर्तन भक्ति महात्मा हमें लाभ दे रहे हैं, 6:30 बजे यूथ फोरम बच्चों का नहीं रखते हैं रजनी रजनी भाई, हाँ यूथ वी विल कीप, हाँ और रात को 9 बजे इंग्लिश में वर्ल्ड वाइड सत्संग, तो पधारिएगा अपने लोग का अनुभव शेयर करने के लिए। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, क्लोज, जय सच्चिदानंद, कांतियानंद जी, दीपकानंद जी, सभी महात्माओं ने जय सच्चिदानंद, 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 जय